बीजेपी अगर उसी आंकड़ों को काउंटर करके बताती कि क्या वो करना चाहते हैं, अगर इसी मुद्दों पे इसी आंकड़ों को लेके अगर उन दोनों में मतलब नोकझोंक होती रहती तो ये पश्चिम बंगाल की जनता को उसमें उसमें इंटरेस्ट रहता। लेकिन अभी सिर्फ यही बन गया। आप कुछ दिन पहले देखिए योगी जी आए थे पश्चिम बंगाल में, उनका जैसे जो स्पीच उन्होंने रखा तकरीबन 99% उसमें राम राम और राम ही रह चुका। और हम यही कहते हैं कोई अगर चीफ मिनिस्टर आता है कोई स्पीच देने आता है तो पब्लिक को ये सुनना रहता है कि वो क्या बोलना चाहता है, डेवलपमेंटल बात क्या करना चाहते हैं। सिर्फ right. राम राम दैट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल बातें ना करके अगर आप सिर्फ रिलीजियस बातें करोगे तो सही कर रहे हैं। बागची साहब आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब मुझे तो पसंद आई आपकी बात। हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं कुछ कहूं कि ऑफकोर्स आप बिल्कुल सर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप बोल लीजिए मैं बाद में पूछूंगा। जी जी बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोलने फिर देन संजय मैं तो बाद में पूछ लूंगा। जी बीजेपी के प्रवक्ता नलिन जी नहीं नहीं सॉरी मैंने आपको ही रोक दिया, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी प्रतीक। कोई बात नहीं मैं बाद में ऐसा है, मैं बागची साहब की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बागची साहब ने बड़ी बेबाक अपनी बात रखी। लेकिन थोड़ा जनता को ये भी समझा दीजिए कि राहुल गांधी जी 2018 में भोपाल गए थे तो उन्हें शिव भक्त क्यों कहा गया था, जनेऊधारी क्यों उनको कहा गया था, जब वो सोमनाथ गए थे तो वहां लिखे थे मेरा धर्म हिंदू धर्म नहीं है उस एंट्री की है, फिर बाद में जनेऊधारी हो गए। तो मतलब बागची साहब ये तो अच्छी है आपने चीज की, लेकिन आपके नेता से संबंधित आप ही के पार्टी उन्हें शिव भक्त बुला रहे हैं तो ये कौन सा ज्ञान हो गया, थोड़ा ये बता दे। या ये कांग्रेस की स्टैंडर्ड दोहरी नीति है कि मतलब कहना कुछ है करना कुछ और है, हवा के झोंके के साथ। लेकिन आज के जमाने में गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, आप भी गूगल कर दीजिए। मुझे याद आया सिर्फ मैंने डेट चेक किया कि 2018 था या 19, 18 था भाई साहब। हाँ तो राहुल जी भी खुद बोल चुके हैं कुछ दिन पहले। आप देखोगे प्रियंका गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। लेकिन आप एक चीज देखो कैटेगरिकली मैं बताता हूँ, आप हमारे पॉलिटिकल जो स्पीचेस रहेगा हमारे नेताओं में उसमें आपको तकरीबन 99% राम और रहीम ये सब नहीं मिलेगा। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ ओपिनियन, आप पश्चिम बंगाल की इतनी रैलीज हो रही इतनी सब कुछ हो रही है, अधीर रंजन चौधरी जी भी हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर है और कांग्रेस पार्टी के हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है, वो भी बहुत सारे रैलीज एड्रेस कर चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूँ ऑनियर, आप एक भी ऐसे वीडियो दिखाइए जहाँ पे सिर्फ राम और रहीम की बातें हो रही हो अधीर रंजन जी चौधरी जी की तरफ से। आप वैसे तृणमूल की रैली देख लीजिए, आप नलिन जी एक्सेप्ट करिए चैलेंज के, सिर्फ इतना कहना है। आप सही कह रहे हैं बागची जी आपके भाषण में, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ एक मिनट आपकी बात से सहमत हूँ, सुन लीजिए। अरे बागची साहब सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके भाषणों में राम तो आ ही नहीं सकते क्योंकि आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक है। तो आप सही कह रहे हैं, आप कैसे भगवान राम का नाम लेंगे जब आप उनको काल्पनिक मानते हैं और आपने हलफनामा एफिडेविट में ये सुप्रीम कोर्ट को कह दिया। तो आप सही कह रहे हैं, आपकी पार्टी की सोच यही है, पर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं इसको कहने के बाद आप फिर जनेऊधारी आपका नेता बन जाता है और शिव भक्त बन जाता है। बहरहाल मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूं बागची साहब। मैं इसके हेलो हां दादा जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ आपका जो सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बाद हमने उनको डिसीजन का स्वागत किया है, उसको लेके अगर आप चर्चा करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, चर्चा हो सकती है। वैसे मैं जो कहता हूँ ना चर्चा हो सकती है। मैं आपको एक चीज बताओ, ये ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है उसके जो नीचे ना हर एक जजेस का नाम लिखा रहता है, ये वैसा एक जजमेंट है, पहली दफा ये आया है, उस जजमेंट के नीचे कोई जजेस का नाम नहीं है। ये एक बहुत गौर करने वाली बात है, चर्चा हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाता, मैं भी पेशे से एक वकील हूँ तो मैं इसमें चर्चा में नहीं जाता हूँ क्योंकि अरे बाप रे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्रश्न उठा रहे भाई साहब। मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं अरे आप इसमें नहीं नहीं आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी लाइव टीवी के ऊपर में बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप कि क्यों नहीं उनका नाम था। आप चाहते क्या, आप याचिका डालिए ना अगर आप में इतना साहस है, अरे आप में साहस है तो याचिका डालिए ना, बेबाक अपनी बात रखिए। प्रतीक जी सुन लीजिए,
नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप घसीट रहे हैं अपनी राजनीति में? क्या ये उचित है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप राजनीति में घुसेटेंगे? किस लिए? अपनी राजनीति करिए, क्यों घबरा रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को राजनीति में क्यों ला रहे हैं आप? और आप में अगर इतना साहस है तो आप फाइल करिए ना एक पिटीशन और कहिए कि हम जानना चाहते हैं किसने लिखा था। अरे साहस है तो दिखाइए। सुन लीजिए,